हेलो बच्चों, भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पार्टिकल ऑफ मास 3 m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इट ब्रेक्स इनटू द टू पीसेस m एंड 2 m। द स्मॉलर मास कम टू द रेस्ट एंड लार्जर मास फाइनली कम्स टू द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर एस एक्स इज इक्वल टू। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, हो क्या रहा है वो बता देता हूँ, वरना तो मैं पूरा इंग्लिश में बोल गया। एक पार्टिकल को यू से फेंका जा रहा है विथ सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, राइट, सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, किसी एक पॉइंट पे, राइट, किसी एक पॉइंट पे, राइट, ये एक्सप्लोड हो रहा है, राइट। यहां से फेंका गया तब इसका मास कितना था, 3 m, ये एक्सप्लोड हो गया दो पार्ट में, एक हो गया m और एक हो गया 2 m। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, एम रेस्ट पे आ जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब वो फ्री फॉल करके इधर आ जाएगा। 2 m बोला है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे गिरेगा, सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, दिस एक्सप्लोजन, राइट, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास अपना पाथ चेंज नहीं करने वाला। ये आपका हो जाएगा x, और यू कैन से दिस विल बी, राइट, x सेंटर ऑफ मास, यहां लिख देता हूं, राइट, x सेंटर ऑफ मास। तो यहां हमें कुछ करना नहीं है, सीधी फॉर्मूला लगानी है, x सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्विवेलेंट टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू होल डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में, राइट, के हम x की वैल्यू ढूंढेंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो जब पार्टिकल को फेंका गया था, राइट, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अब पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को प्रोजेक्टाइल, सिस्टम को प्रोजेक्टाइल के तौर पे फेंका गया है, राइट, और एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से है, मतलब सेंटर ऑफ मास तो पूरा पाथ कवर करेगा, मतलब जब 2 m x को टच करेगा, m ग्राउंड को टच करेगा, तब सेंटर ऑफ मास कितने पे टच करेगा, r पे, नीचे की रेंज हो जाएगी ना। एक्सप्लोजन के बाद m नीचे गिरा, 2 m x डिस्टेंस पे आया, तो सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, r डिस्टेंस। तो m कितनी दूरी पे, r बाई टू दूरी पे, राइट, हाँ ठीक है ना, हमें क्या बोला गया है, ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे ये हो रहा है, मतलब ये मैक्स हाइट पे हो रहा है ये सारी चीजें, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट पे ये सारा हो रहा है, राइट, मैक्सिमम हाइट पे सारा हो रहा है। मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर दूंगा, डोंट गेट वरीड, राइट। तो m2 मास 2 m वो कितनी दूरी पे, x होल डिवाइडेड बाय 3 m। तो यहां से अगर हम रिजोल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव आर बाई फोर आ रही है, राइट, x की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव आर बाई फोर आ रही है। चलिए, काफी बच्चों को फिजे फिगर नहीं पसंद, पता है, राइट, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, तो और आसानी हो जाएगी, राइट, तो आइए देखिए, मैक्स साइड पे ये हो रहा है, ये मैंने फेंका पार्टिकल, राइट, 3 m वाला, राइट, ठीक है ना, ये हमने पार्टिकल फेंका 3 m वाला, इसको थोड़ा सा मैक्स साइड पे ये हो रहा है, ओके, मैक्स साइड पे ये हो गया। देखिए मैक्स साइड पे यहाँ पे ये नीचे आएगा m, ये इधर जाएगा 2 m, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर आ जाएगा, वो अपना पाथ कंटिन्यू करेगा, बिकॉज ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, राइट, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे इसका वाई सेंटर ऑफ मास तो जीरो ही हो जाएगा, राइट, जो बचेगा एक्स, इसलिए मैंने एक्स सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेके इस सम को सॉल्व किया, राइट, ये थीटा से फेंका है, यहाँ मास 3 m है, टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब जितनी देर में m यहां आएगा उतनी देर में 2 m x डिस्टेंस पे आएगा यहां से x पे, और उतनी देर में ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये तीनों t सेम हो जाएंगे, राइट। तो होप सो, राइट, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बच्चा, fr by 4 इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।